हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमरन। आप सभी का बहुत बहुत फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो भी ये हमने बैम्बू लगाया था अपने सेंटर पीस में, वो प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक हैज बनाया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पॉट्स, हमारे प्लांटर्स सामने ना नज़र आए, हाइट होकर रहें, उसके आगे हम कुछ ऐसी कोई चीज़ लगाएं जिससे खूबसूरती भी आए, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये हैज तैयार किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ था, तो अब मैं यहाँ पर एक हैज बनाने वाली हूँ जिससे ये सभी पॉट्स, ये सभी हाइड हो जाएं। तो मुझे कुछ बैम्बूज़ लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। ये देखिए, तो बैम्बूज़ लेने के लिए मैं इस शॉप पर आई थी। यहाँ पे हर तरह के बैम्बूज़ मिलते हैं। इस तरह से मैंने अपने मनपसंद साइज़ में बैम्बूज़ कटवा रही हूँ और ये अब कटकर सभी तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बैम्बू के बारे में तो बता दिया है कि बैम्बू मैंने किस तरह से कटिंग करवाए थे। तो अब मैं बैम्बू को लगाने के लिए, उसे फिक्स करने के लिए रेत और सीमेंट का मिक्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने रेशियो के हिसाब से 2 मग सीमेंट और 2 मग रेत लिया है, तो इतनी ही मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो इस पेस्ट से मैं बहुत ही आसानी से अपने बैम्बू के पीसेस को एक जगह पर फिक्स कर पाऊँगी। बस इसे ज़्यादा गीला ना करते हुए इसका मिक्स हम तैयार करेंगे, बिल्कुल थिक पेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये देख पा रहे हैं कि इसमें हम थोड़े से ईंटों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने में हमें ये मुश्किल लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मुझे कम से कम भी 10 से 12 या 15 ईंटों की ज़रूरत पड़ी है। हो सकता है कि आपके हिसाब से आपको कम ज़रूरत पड़े, तो ये तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट की बात होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक एक ईंटों को इस तरह से फिक्स करवाया है, बस थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर। इससे हमारे छत पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसी सपोर्ट से हमारे जो बैम्बू के पीस हैं वो यहाँ पर खड़े रह पाएंगे। यहाँ पर फिक्स होकर यहाँ पर अच्छी तरह से सपोर्ट लेकर खड़े रह पाएंगे। तो इस तरह से अब ये बनकर रेडी है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सभी ईंटें एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में उसे अच्छी तरह से हमने लगा लिया हुआ है। तो अब एक एक करके हम अपने बैम्बू के पीसेस को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी हमें जो हमने सीमेंट का पेस्ट बनाया था वो हम थोड़ी थोड़ी रखेंगे, बहुत ही थोड़ी थोड़ी। बस उसके ऊपर हमें अपने एक एक बैम्बू रखते जाना है और आज इसे बिल्कुल भी इसे हिलाएं ना। जब आप बनाएंगे इसे, एक दिन के लिए इसे इस तरह से छोड़ दें, बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह से दोस्तों, ये अब बिल्कुल रेडी है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने ईंटें यहाँ पे हमने फिक्स करवाए थे, उसी ईंटों के सपोर्ट से हमने ये बैम्बू को वहाँ पे फिक्स किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब पेंट होने वाला है। मैंने वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बनाया है इस बार। आप कोई भी कर सकते हैं, ग्रीन भी बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ये हैज बनाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको हर तरह के, हर साइज़ का पॉट आप अंदर लगा सकें। इसलिए मैं यहाँ पे ये वाले पॉट भी लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने इस हैज में आप इतनी जगह ज़रूर रखें कि उसमें हर साइज़ के पॉट आप आसानी से रख सकें, बड़े छोटे जो भी। अगर आप गलती से कहीं छोटी जगह बना लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 फीट की चौड़ाई रखी हुई है। तो प्लांटर भी चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर इसमें कोई गलती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएँ।
तो फ्रेंड्स चलते चलते आप सभी को ये फाउंटेन भी दिखा रही हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मतलब कि इस वीडियो में क्या ठीक नहीं लगा, जिसे मैं सुधार करूँगी और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो अब आप सभी अपना ख्याल रखें और गार्डनिंग ज़रूर करें। तो जल्दी मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ग्रोइंग।